आज हम क्लास 8 साइंस का जो इम्पोर्टेंट जो पेपर हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम से संबंधित हैं, इस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो देखिए, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है, तो सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जो है हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो ऑप्शन जो स है हमारा करेक्ट आंसर। अगला, निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है, तो मैग्नीशियम दाह्य पदार्थ है, कास्ट कोयला भी दाह्य पदार्थ है, लकड़ी भी दाह्य पदार्थ है, लेकिन जो लोहा जो है, यानी कि जो ऑप्शन जो स है वो हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि जो लोहा है दाह्य पदार्थ नहीं है, यानी कि लोहे का दहन नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो देखिए, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, रुधिर कोशिका, गाल कोशिका। तो जो तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो ऑप्शन जो है अ हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से जरायुज जंतु नहीं है। तो पहले तो जरायुज किसे कहते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो जरायुज हैं। तो देखिए, मनुष्य जरायुज जंतु हैं, कुत्ता भी जरायुज है, गाय भी जरायुज है, लेकिन जो मुर्गी जो है ये जरायुज नहीं है। तो यानी कि जो ऑप्शन जो ब है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि मुर्गी जो है ये क्या है, ये अंडज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अंडज का, यानी कि अंडज जो अंडे देते हैं। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होगा? ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, निर्वात में नहीं होगा। तो यानी कि जो ऑप्शन जो द है वो हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाइए। तो देखिए, यहाँ पे जीवाणु का संबंध किससे है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेकिंग जो है ब्रेड की, मलेरिया का कारक, हैजे का कारक और एड्स का कारक। तो जो जीवाणु जो होता है ये हैजे का कारक होता है, यानी कि जो ऑप्शन 5 है हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा जीवाणु? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु कारण हैजा होता है। राइजोबियम क्या कार्य करता है? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। लैक्टोबेसिलस क्या करेगा? ये दही को जमाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। और यीस्ट क्या करता है? यीस्ट जो है ये ब्रेड की बेकिंग में काम में आता है। किसमें? ब्रेड की बेकिंग में। और देखिए, एक प्रोटोजोआ, तो मलेरिया का जो कारक है प्लाज्मोडियम वो क्या है? प्रोटोजोआ है। और एक विषाणु जो कि एड्स का कारक है। तो यहाँ पे हमारा जो है का जो है उसका जो आंसर हमने किया 5 वाला, इसके बाद जो ख है उसका जो आंसर हमने किया कौन सा वाला? ख, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम का संबंध है, इसका हमने किया फर्स्ट। जो ग लैक्टोबेसिलस है उसका जो आंसर आया हमारा दही का जमना। इसके बाद जो यीस्ट है, यीस्ट जो ग है उसका आया ब्रेड की बेकिंग में, यानी तीसरा। इसके बाद हमारा जो ड है इसका जो आंसर है, यानी कि प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया का कारक, चौथा। और जो आखिरी में जो च है इसका जो आंसर है एड्स का कारक क्या है? एड्स विषाणु जो है एड्स का कारक है। तो यहाँ पे हमने सारे जो क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये भी 5 अंक का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को कहते हैं। तो एक स्थान पर बड़ी मात्रा में जो पौधे उगाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फसल। तो लार्ज स्केल पर एक ही प्रकार के जो पौधे उगाए जाते हैं उसको फसल कहते हैं। हैजा के द्वारा होता है, तो हैजा जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। और कौन सा जीवाणु? विब्रियो कोलेरी जीवाणु, ध्यान रखना। किसके कारण? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण। विब्रियो कोलेरी यानी कि कोलेरा जो है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। अगला, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होगा? वायु का जो होगा प्रदूषण होता है। क्या होता है यहाँ पे? प्रदूषण। क्या होगा? प्रदूषण, वायु का प्रदूषण होता है लकड़ी और कोयला जलाने पर। मुर्गी का अंडा एक एकल क्या है? एकल कोशिका है, बिल्कुल इसमें चौथे में कोशिका आएगा। तो मुर्गी का अंडा क्या है? एकल कोशिका का उदाहरण है। इसके अलावा लास्ट जो है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसको दाब कहते हैं, यानी कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो बल है वो दाब कहलाता है। तो दाब बराबर क्या होगा? दाब बराबर होगा बल बटे
क्षेत्रफल यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो ये याद रखना आपको, P बराबर होता है F अपॉन A, और इसका जो मात्रक है, दाब का जो मात्रक है वो क्या है, पास्कल है। क्या है? पास्कल। ये याद रखना, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है, तो ऑप्शन एक जो है इसमें, एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। हेजा क्या है? जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, विब्रियो कोलेरी इसका आंसर है। लकड़ी और कोयले जलाने से वायु का क्या होगा? प्रदूषण होता है। और मुर्गी का जो अंडा है वो क्या है? एक एकल कोशिका है, यानी कि एक सेल है, यानी कि सेल का उदाहरण है, यानी कोशिका का उदाहरण है। इसके अलावा एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो पांचवे का जो आंसर है वो क्या है? दाब है, यानी कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाले बल दाब कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन देखिए। खरपतवार किसे कहते हैं? तो जो फसल में, जो फसल के अलावा उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, फसल में जो फसल के अलावा जो अन्य जो पौधे हैं, यानी कि फसल के अलावा या फसल के अतिरिक्त जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? फसल के अतिरिक्त जो पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु आग पकड़ लेती है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, अगला है आघात वर्धनता किसे कहते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिनके कारण इसको क्या किया जा सकता है? चपटा किया जा सकता है, यानी कि धातु का वह गुण जिसके कारण इनको चपटा किया जा सकता है, इसको, इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनता, यानी कि मेलिबिलिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दे कैन बी बीट एंड कन्वर्ट इंटू शीट आर कॉल्ड मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी में जिनको किस में बदल सकते हैं अपन? शीट की फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी कि चपटा किया जा सकता है। रबी की फसल के दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए, जो रबी की जो फसल है वो क्या है? गेहूँ है ना, चना है, ये रबी की फसल का उदाहरण है। सरसों है, ये सब क्या है? रबी की फसल के उदाहरण हैं। अगला है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसमें बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, एल्गी है और वायरस है। तो ये याद रखना है, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, ठीक है, इनको याद रखना है आपको। तो ये शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और जीवाणु और विषाणु, ठीक है, ये पांचवे का अंदर इनके प्रमुख वर्ग आपको बताए दिए सूक्ष्म जीवों के। छठवां क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो धातु है ये मरकरी है, जिसका जो सिंबल है Hg है, यानी कि इसको पारा भी कहते हैं। तो जो पारा है यानी कि जो मरकरी है, इसका इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है, और ये ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। CNG का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहें इसका नाम? संपीड़ित प्राकृतिक, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या नाम इसका? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG का पूरा नाम, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दो जीवाश्म जीवों के नाम बताइए, दो जीवाश्म ईंधन के इनके नाम। तो इसमें कोयला और पेट्रोल हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन जो है कोयला और पेट्रोल। रेयर डाटा पुस्तक क्या है? वह पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है, यानी कि जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, यानी कि जिनकी संख्या कम होती जा रही है, संकटग्रस्त प्रजाति का उल्लेख किया जाता है। किसका? संकटग्रस्त प्रजाति का वर्णन किया जाता है इसमें। तो इनको क्या कहते हैं अपन? रेड डाटा पुस्तक कहते हैं, इसको लाल आंकड़ा पुस्तक भी। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो दो एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा है। कौन है? अमीबा है, पेरामिशियम है, युगलिना है, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए यहाँ पे खरपतवार, फसल के अलावा उगने वाले पौधे खरपतवार हैं। ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु आग पकड़ लेती है ज्वलन ताप कहलाता है। आघात वर्धनता, धातुओं का वह गुण जिनके कारण इनको चपटा किया जा सकता है आघात वर्धनता कहते हैं। और रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों। और सूक्ष्म जीव में कौन आते हैं? कवक है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है, ये सब किस में आते हैं? सूक्ष्म जीव में। ठीक है, तो कवक,
शैवाल, प्रोटोजोआ, है ना, तो इनको सूक्ष्म जीव में रखते हैं, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु और जीवाणु। ठीक है, अब देखिए कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी जो है पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है और दो जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल, ये इसमें आठवें में हो जाएगा। इसके अलावा रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो संकटग्रस्त प्रजाति जिसका वर्णन किया जाता है इस पुस्तक में, या वह पुस्तक जिसमें संकटापन प्रजाति या जिनकी संख्या घट रही उनका उल्लेख किया जाता है, संकटा रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। और दो एक कोशिकीय जीव कौन है, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, ये दो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन सी हैं, तो जैसे बहुत सारी विधियाँ हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप विधि है, फव्वारा विधि है, स्प्रिंकलर मेथड है ना, तो ये क्या है आधुनिक विधियाँ हैं। तो इसमें एक तो है ड्रिप विधि, यानी कि स्प्रिंकलर मेथड है, फव्वारा विधि है, इसको आधुनिक विधियों में रखा गया है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए, तो देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए एक तो रोग उत्पन्न कर देते हैं, है ना, और इसके अलावा हमारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं, है ना, तो ये बहुत सारे इसके हानिकारक प्रभाव हैं। हमारे भोजन को ख़राब कर देते हैं सूक्ष्म जीव, ना रोग के कारक होते हैं, हमारे लेदर्स वगैरह, कपड़े वगैरह नमी के कारण इनको ख़राब कर देते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए, तो मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आप आसानी से इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जो मोमबत्ती की ज्वाला है उसका डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं ज्वाला का, और यहाँ जोन लिख सकते हैं, अपर मोस्ट जोन, अपर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन इसमें। अगला अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन की वह विधि जिसमें नए जीव का निर्माण केवल एक ही जीव के द्वारा हो रहा है, तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है, यानी कि यदि एकल जीव नए जीव की उत्पत्ति करता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो होती है वो कौन सी विधि होती है, तो इसमें मुकुलन विधि होती है, कौन सी विधि, मुकुलन विधि, यानी कि बर्डिंग मेथड होती है हाइड्रा में। ठीक है, और हमारे दैनिक जीवन में जो घर्षण है, हमारे शत्रु भी है मित्र है दोनों स्पष्ट कीजिए, तो घर्षण हमारा शत्रु कैसे हैं, इसके कारण हमारे जूते घिस जाते हैं, इसके कारण हमारे मशीन के पार्ट्स घिस जाते हैं, हमारे टायर घिस जाते हैं, तो ये हमारा शत्रु है इस आधार पर। और मित्र कैसे हैं, घर्षण के कारण ही हम गाड़ी को रोक पाते हैं और घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं, तो ये सारी बातें घर्षण के कारण ही हम बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर चौक की सहायता से लिख पाते हैं, तो ये सब क्या है घर्षण, कुछ परिस्थितियों में हमारे मित्र भी हैं और कुछ परिस्थितियों में हमारा शत्रु भी है, यानी कि घर्षण आवश्यक भी है, यानी कि हमारे चलने के लिए आवश्यक है, बोर्ड पर लिखने के लिए आवश्यक है और गाड़ी को रोकने के लिए भी आवश्यक है घर्षण। और शत्रु कैसे हैं, इसके कारण हमें कई बार नुकसान भी होता है, हमारे जूते घिस जाते हैं, टायर घिस जाते हैं, और घर्षण के कारण हमारे मशीन के कलपुर्जे, पार्ट्स वगैरह घिस जाते हैं। ठीक है, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी रखेंगे, तो देखिए भूकंप से बचने के लिए जो है प्रिकॉशन जो दी जाती हैं वो हैं कि यदि अगर आप मान लीजिए अगर घर के अंदर हैं तो आप टेबल के नीचे जा सकते हैं, जो बड़े जो आपके घर के अंदर जो भारी वस्तुएं हैं उनसे दूर सट सकते हैं, या एक हल्के जो मकान है जो रोड की जो भूकंप जो से बचने के लिए रजिस्टर्ड जो मकान तैयार करती है संस्था, रिसर्च सेंटर जो हैं उनके जो दिशा निर्देश अनुसार जो हैं हल्के मकान जो हैं वो बना सकते हैं भूकंप से बचने के लिए। इसके अलावा अगर आप घर के अंदर हैं तो जैसे कपबोर्ड वाली जो वाल हैं, दीवारें हैं, वो आप बना सकते हैं, और जो है अगर आप बाहर हैं घर से बाहर तो उस कंडीशन में आप सेफ प्लेस पे जा सकते हैं, बड़े पेड़ से दूर जाएं, पोल से दूर जाएं, अगर कार में हैं तो कार के अंदर ही रहें, और घर के अंदर हैं तो आप जो मकान से बाहर जाने का प्रयास कीजिए, या आप लेटे हुए हैं बेड पर तो अपना जो तकिया है उससे अपना मुंह बचा सकते हैं। तो इस प्रकार भूकंप से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की जो सावधानी है उनको रख सकते हैं। तो आई होप ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।